नमस्कार प्रशिक्षुओं, सीटेट में नॉर्मलाइजेशन को लेकर थोड़ी सी बात यहाँ पे छिड़ी हुई है, तो हम आपको बता देते हैं नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से अगर करेंगे तो करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। वैसे तो एक दिन में आपका एग्ज़ाम तो होगा नहीं, और रहेगी बात ऑफलाइन भी नहीं है, और यह चीज़ ऑनलाइन होगा इस बार से नए प्रोसेस, या फिर यह अपना एक तरह से कह लीजिए जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वह यहाँ पर ना ही ऑफिशियल मेंशन किए हैं कहीं, और ना ही आप इस तरह से पीएनपी या फिर डायरेक्ट बोला गया है कहीं से भी, कुछ हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है। और यह नॉमिनेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, है ना। अब देखना, जो ओबीसी का बच्चा है और जो एससी एसटी है, अगर वह 82 या फिर 82.5 या फिर 83 नंबर लाता है, और उसका मतलब कि शिफ्ट मतलब कि इजी शिफ्ट होता है, तो हो सकता है वह फिर से पास ना हो उसमें। और जो बच्चा 90 नंबर जनरल वाला लाएगा, अगर उसका शिफ्ट ईजी होगा तो हो सकता है वह भी फेल हो जाए। तो इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए अभी तक कोई भी सूचना नहीं आया है, और हमें यह सोच कर नहीं चलना है कि हम 90 नंबर अगर जनरल हैं तो 90 नंबर ही लाएंगे, और ओबीसी एसटी एससी हैं तो हम 82 या फिर 83 नंबर ही लाएंगे। ऐसा कुछ नहीं सोच के चलना, हमें आराम से अपना मन को एकाग्रचित बनाकर अच्छे से सीटेट में किस प्रकार से सीटेट का पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, उसका हमने एक वीडियो डाला है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल भी जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में आ जाएंगे, एग्जाम अपडेट नाम का एक फाइल बना होगा उसमें आपको मिल जाएगा, सीटेट में तुक्का कैसे लगाते हैं या फिर ये सारी चीज़ें करते हैं। नॉर्मलाइजेशन का भी कोई भी नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, मैथमेटिकल प्रोसेस होता है बच्चों, जो कि हर ऑनलाइन जितने भी एग्जाम होते हैं उस सब में लगाया जाता है। एक चीज़ यहाँ सोचना थोड़ा सा दिमाग से कि अगर यह कोई यह तो केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जिसमें कि अगर आप पास होते हैं तो शिक्षक भर्ती के लिए या फिर जितने भी सेंट्रल एग्जाम्स होंगे उसमें आप बैठ सकते हैं, शिक्षा से रिलेटेड है ना, टीचर से रिलेटेड। और रही बात अगर कोई डायरेक्ट इसमें भर्ती के लिए होता तो हो सकता है नॉमिनेशन हो जाए, और उसमें ऑफिशियल मेंशन भी होता, जैसे कि आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सब में होता है ना नॉमिनेशन, तो नंबर बहुत ज़्यादा ज़्यादा बढ़ते हैं बच्चों के, करीब 6-6, 7-7, 8-8 नंबर, 10-10 नंबर तक बढ़ जाते हैं, कितनों का 14-15 नंबर बढ़ जाता है। तो यह डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट किस प्रकार से आया है, हार्डनेस है कि हार्ड है या फिर लो है या फिर इजी है, तो इसको देख कर बनाया जाता है कि इस प्रकार के फंक्शन इसमें होंगे, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर हो जाता है तो उनके लिए आसान हो जाएगा, वैसे अगर नहीं होने का कोई अगर सिस्टम है तो इसका मतलब जो पेपर का लेवल होगा सबका इक्वल होगा, हर शिफ्ट में हर जगह, मतलब कि 16 से स्टार्ट है आपका, 13 जनवरी यानी 12 जनवरी तक होगा, तो उसमें सबका लेवल समान होगा, इक्वल होगा। तो इस चीज़ पे काम हो करेगी सीबीएसई, अगर ऐसा कुछ होता तो पहले से मेंशन कर देती कि हाँ नॉमिनेशन होगा, अन्यथा नहीं लिखा है तो इसका मतलब यह है साफ जाहिर होता है कि आप में नॉमिनेशन शायद न हो। जैसे कि बहुत सारे बच्चे टिका टिप्पी करेंगे कि पिट में सर नहीं लिखा था फिर भी हुआ, तो पिट में हुआ, पिट एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर था जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी के लिए था, हो सकता है इसमें भी हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हो भी सकता है भाई, क्योंकि सीटेट है और यह सेंट्रल लेवल का है तो इसमें सीबीएसई कुछ भी कर सकती है, हो सकता है कर ले, है ना। अगर हो भी जाता है तो इसमें यह तो कदापि नहीं होगा बच्चों के साथ खिलवाड़, जिनका इजी शिफ्ट आया था जिनका हार्ड शिफ्ट आया था उनको बराबर इक्वल ना करें, इक्वल तो करेगी ही ना, तो इक्वल करने के लिए ही नॉमिनेशन प्रोसेस होते हैं। अगर होता है तभी अच्छा है, अगर ना होता है तब भी अच्छा ही होगा, ठीक है, जो भी होगा अच्छा होगा। और जैसा भी एक इन्फॉर्मेशन होगा हम आपको बताएंगे, इसको आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कोई भी कमेंट हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दें, आपका 9 बजे जो रात में डेली डाउट क्लास होता है उसमें आपका कमेंट ले लिया जाएगा। धन्यवाद।